भारत सरकार ने 59 स्मार्टफोन ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। जिन ऐप्स पर रोक लगाई गई है वो चीन में बने हैं या उनका मालिकाना हक रखने वाली कंपनियां चीनी हैं। इन ऐप्स में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयरइट ऐप जैसे ऐप शामिल हैं जो भारत में काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहे थे। भारत सरकार ने यह फैसला उस समय लिया है जब पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की जान जा चुकी है और इस बीच भारत में चीनी सामान, सॉफ्टवेयर और ऐप्स आदि के बहिष्कार की आवाजें उठ रही थीं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के मुताबिक इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता एवं एकता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नुकसानदेह होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। आईटी मंत्रालय ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत ये कदम उठाया है। ये ऐप्स एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित रहेंगे। आईटी मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है ताकि इंडियन साइबर स्पेस की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म को अपने स्टोर से इन ऐप को हटाना होगा। हालांकि भारत सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में लोगों से इन ऐप्स को अनइंस्टॉल करने की कोई अपील नहीं की गई है। जिन लोगों के मोबाइल फोन में ये ऐप इंस्टॉल्ड हैं वो तब तक मौजूद रहेंगे जब तक वो इन्हें मैनुअली नहीं हटा देते। हालांकि ऐप स्टोर से हट जाने के बाद वो अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल किए गए ऐप्स को अब और अपडेट नहीं कर पाएंगे। जिन ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है उनमें गेमिंग, ब्यूटी कैमरा, ब्राउजर, न्यूज और अन्य यूटिलिटी ऐप्स शामिल हैं। जिन ऐप्स पर पाबंदी लगाई गई है उनकी सूची कुछ इस प्रकार है: टिकटॉक, शेयरइट, क्वाई, यूसी ब्राउजर, बायदू मैप, शेन, क्लैश ऑफ किंग्स, डीयू बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यू कैम मेकअप, एमआई कम्युनिटी, सीएम ब्राउजर्स, वायरस क्लीनर, एपीयूएस ब्राउजर, रोमवी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, ब्यूट्री प्लस, वी चैट, यूसी न्यूज, क्यूक्यू मेल, वीबो, जेंडर, क्यूक्यू म्यूजिक, क्यूक्यू न्यूज फीड, बीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, एमआई वीडियो कॉल शियोमी, वी सिंक, ईएस फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, मेटू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, डीओ रिकॉर्डर, वोल्टहाइड, कैशे क्लीनर, डीयू ऐप स्टूडियो, डीयू क्लीनर, डीयू ब्राउजर, हैगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यू क्यू प्लेयर, वी मीट, स्वीट सेल्फी, बाइदू ट्रांसलेट, वी मैट, क्यू क्यू इंटरनेशनल, क्यू क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू क्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लीजेंड्स और डीयू प्राइवेसी। 15 और 16 जून की दरमियानी रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी जिसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इस घटना में चीन के सैनिक भी हताहत हुए थे लेकिन उसने अपने नुकसान का अब तक कोई ब्यौरा नहीं दिया है। भारत सरकार के हालिया फैसले को इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है।